मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में स्थानीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर अमलीपाली में आयोजित सभास्थल में जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही श्री मोदी जी ने एयरपोर्ट के पास प्रतीक्षा कर रही महिलाओं से बातचीत की। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री ज्वेल ओराम जी, श्री सुरेश प्रभु जी एवं ब्रजराजनगर विधायिका श्रीमती राधा रानी पंडा जी भी साथ में रहे। सभास्थल में एयरपोर्ट के उद्घाटन का लाइव कवरेज प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग देख रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम सभास्थल पर उमड़ पड़ा था। अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों को झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बाईपास से अमलीपाली स्थित सभास्थल जाने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ा। पैदल जा रहे लोगों को देख मजरूह सुल्तानपुरी साहब की 2 पंक्तियां याद आ गई। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह कारवां जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी खेतों के पगडंडियों के बीच गड्ढे और नाले को पार करते हुए सभास्थल पर जा रहे थे। यहां तक कि कुछ नेतागण को भी पैदल चलना पड़ा। बीजू एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम हो चुका था। वाहनों की लंबी कतार सड़क पर लगी हुई थी, जिसे नियंत्रित करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह 9 बजे से ही सभास्थल पर लोगों का जमावड़ा होने लगा था। वाटरप्रूफ पंडाल में लाखों लोगों ने गर्मी से पसीने के तरबतर होने के बावजूद लोगों में उत्साह की कमी नहीं आई और मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने डिजिटल माध्यम से एयरपोर्ट का लोकार्पण करने के बाद गर्जन बहाल में एमसीएल तथा एनटीपीसी ओपन कास्ट खदान सहित झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ रेल लाइन का भी लोकार्पण किया। आओ किचिकर भाषण सुन, आसुन से तुमने नुआ भारत का परिकल्पना करिछन, नुआ ओडिशा परिकल्पना करिछन, जे केंसी घर अंधार में रहू, केंसी घर थपट धुआं भी नहीं रहू, समस्ते छल पाले रहू, समस्ते उनकी रास्ता के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, ज्वेल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, विधायक एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बसंता पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान सुरेश पुजारी जी, विधायक श्रीमान प्रदीप पुरोहित जी, विधायक श्रीमती राधा रानी पांडा जी, विधायक श्रीमान रवि नारायण नाई जी,
पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधारी गमांग जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान सुभाष चव्हाण जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई मोरमा, दादा भाई बहन मानक नुआखाई जुआर आपन माने केंता छे, सब भलट मां समलेई समत को आशीर्वाद करूं। एटा प्रार्थना करूं छी, यही माटी है वीर सुरेंद्र साई, छबीला साई, उदंत साई, माधो सिंह, हाथी सिंह, मिटू कुंवर, नरसिंह गुरु, पार्वती गिरी आउ चंद्रशेखर बेहरा कर संग्राम जागा आउ स्वभाव कभी गंगाधर महर कर जन्मस्थान। इस महान धरती के वीर सपूतों को, आप सभी को मैं एक बार फिर नमन करता हूं। आप इतनी दूर से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ओडिशा एक बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इसकी साक्षात गवाह है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है, अब से कुछ देर पहले मुझे वीर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट के शुभारंभ का और गर्जन बहाल कोयला खदान के लोकार्पण का अवसर मिला। आज से ही झारसुगुड़ा बारपल्ली सरडेगारेल रेल लाइन शुरू हो रही है और साथ ही दलंगा कोयला खदान से उत्पादन का श्री गणेश भी हुआ है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार उड़ीसा के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए एक के बाद एक नई योजनाएं बना रही है। आप सभी को पता है कि उड़ीसा में पहला एयरपोर्ट करीब करीब 50 साल पहले भुवनेश्वर में शुरू हुआ था। औद्योगिक रूप में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद ओडिशा में दूसरे एयरपोर्ट के लिए पहले सोचा ही नहीं गया, काम किया नहीं गया। अब झारसुगुड़ा के तौर पर उड़ीसा के लोगों को अपना दूसरा एयरपोर्ट पर आज मिल गया। अब आपके लिए भुवनेश्वर, रायपुर और रांची जाना और आसान हो गया। अभी आप लोगों को रायपुर जाना हो तो सड़क मार्ग से 4 घंटे, भुवनेश्वर जाना है तो 7 घंटे। इस नए एयरपोर्ट से अब आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा।
इतना ही नहीं, राज्य में 3 नए एयरपोर्ट के विकास का भी काम किया जा रहा है। कोरापुट, सुंदरगढ़ और कालाहांडी में बनने वाले एयरपोर्ट ओडिशा के औद्योगिक विकास में नई क्रांति लेकर के आएंगे। साथियों, जब किसी भी इलाके में हवाई अड्डों, हवाई मार्गों का विकास होता है तो उसका सीधा प्रभाव निवेश, पर्यटन और रोजगार पर पड़ता है। जब ज्यादा हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे, जब ज्यादा बड़े हवाई जहाज उड़ान भर सकेंगे, ज्यादा यात्री आ सकेंगे, तो निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप कोई भी सेक्टर सोच लीजिए, ट्रैवल, टूर, टैक्सी, होटल, रिसोर्ट, हर किसी को फायदा होगा। ये तमाम नए कार्य यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेंगे। इससे इस इलाके का दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्ता भी आसान और मजबूत होगा। भाइयों और बहनों, मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई यात्रा कर सके। आज ये सपना सच होता दिखाई दे रहा। रेलवे में एसी डिब्बों में सफर करने वालों से ज्यादा लोग अब हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अपनी नीतियां ही इसी सोच के साथ बनाई है कि उड़े देश का आम नागरिक, देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग हवाई जहाज में बैठ सके, उड़ सके, इसके लिए देश भर में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है। ये नए एयरपोर्ट बड़े और छोटे शहरों में रहने वालों के बीच भेदभाव कम करने का भी काम करेंगे। साथियों, कनेक्टिविटी में हर तरह का क्षेत्रीय भेदभाव खत्म करने की ताकत होती है। सुदूर बॉर्डर पर बसे गांव हो या देश के भीतर आदिवासी इलाके हो, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतना ज्यादा विकास। और इसलिए हमारी सरकार उत्कल प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए भी रेलवे, हाईवे, एयरवे, वाटरवे, हाईवे, इंटरनेट वे, हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज झारसुगुड़ा, बारपल्ली, सरडेगा रेल लाइन की भी शुरुआत हुई है। आजादी के इतने वर्षों बाद उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में ये पहला रेल लिंक है जो सुंदरगढ़ जिले से अंदरूनी और पिछड़े इलाकों को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगा। अभी तो इससे कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, लेकिन भविष्य में यात्री ट्रेनें चलने का भी रास्ता अब खुल चुका है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा के विकास को, उसके विकास को लेकर पहले की सरकारों में
कितनी गंभीरता आ रही है, ये परियोजना इसका भी एक जीता जागता नमूना है। साल 2006 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, इस पर 30% से भी कम काम हुआ। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद 4 साल में ही 70% से ज्यादा काम हुआ और आज इस रूट को उड़ीसा के लोगों को समर्पित कर दिया गया। भाजपा सरकारों में विकास के लिए किस तरह काम होता है, उनकी गति क्या होती है, आप इसे भली भांति देख रहे और समझ रहे। ओडिशा में पिछले 4 साल में नेशनल हाईवे की लंबाई भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। राज्य के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। इन कार्यों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ओडिशा की राज्य सरकार इन कार्यों में उदासीन नजर आती है। जितनी चिंता उसने करनी चाहिए, मुझे दिल्ली से उसको जगाना पड़ता है। दशकों पुरानी जिस रफ्तार से ओडिशा चल रहा था, वो उसी रफ्तार पर ओडिशा को चलाना चाहती है। भ्रष्टाचार और फैसलों में देरी, ये जैसे ओडिशा सरकार की पहचान बन गई है, जो विकास के लिए रुकावट बन गई है। साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से पहले ओडिशा को 5 साल की अवधि में 82,000 करोड़ रुपया मिलते थे। हमारी सरकार बनने के बाद अब ये राशि बढ़कर के करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया हो गई है। क्या उड़ीसा सरकार को दी जा रही इस राशि का प्रभाव जमीन पर आपको कहीं नजर आ रहा है, दिख रहा है कहीं? चिंता सताती है कि नहीं सताती है? आखिर ये पैसे कहां जा रहे हैं? उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा हो, कुपोषण की स्थिति हो, माता मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की गिरती संख्या हो, ये सारी बातें हर हिंदुस्तानी को, हर उड़ीसावासी को चिंता कराती है। मैं नहीं कहता कि देश के दूसरे राज्यों में ये समस्या नहीं है, लेकिन इन समस्याओं के प्रति राज्य सरकार का रवैया क्या है, ये बहुत मायने रखता है। मैंने नवीन बाबू से आग्रह किया कि राज्य के शौचालयों के निर्माण को वो और गति दें। अब तक ओडिशा आयुष्मान भारत से भी नहीं जुड़ा है, ये योजना कल देश भर में लागू होने जा रही है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। आप चाहते हैं कि उड़ीसा के गरीबों को 5 लाख रुपए तक बीमारी में मदद मिले? आप चाहते हैं? लेकिन इस योजना में उड़ीसा सरकार जुड़ नहीं रही है। वो कहते हैं सोचेंगे,
स्वास्थ्य से जुड़ी जो योजना राज्य सरकार चला रही है उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसका हाल आप लोग भली भांति जानते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है कि देश भर के किसानों की एमएसपी से जुड़ी बरसों पुरानी मांग को हमारी सरकार ने ही पूरा करने का ऐतिहासिक काम किया। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के धान की पैदावार करने वाले किसानों, मक्का और दाल पैदा करने वाले किसानों को भी मिलना तय हुआ। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सरकार ने प्रति क्विंटल 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसी तरह मक्के के एमएसपी में 125 रुपये की बढ़ोतरी की है। लगभग 1100 रुपये प्रति क्विंटल लागत के ऊपर मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपये हो गया है। मक्के के अलावा रागी जैसे पौष्टिक और फाइबर से परिपूर्ण अनाज के लिए भी 50% से अधिक का लाभ सुनिश्चित किया गया है। लेकिन मुझे बताया गया कि यह उड़ीसा में किसानों को इसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए था। यहां बहुत सी जगहों पर दाल की वास्तविक खरीदी न करके सिर्फ कागजों में खरीदारी का खेल चल रहा है। किसानों के धान को जानबूझ करके खराब बताकर उन्हें खरीदने से मना किया जा रहा है। यहां आने से पहले मुझे बताया गया कि घर से जुड़ी योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, बिना रिश्वत दिए गरीबों का काम होना उड़ीसा सरकार में संभव ही नहीं रहा। यहां के लोग, कुछ लोग उसे परसेंट यानी पीसी बोलते हैं, पीसी बोलते हैं ना, सबको मालूम है ना पीसी। इसी पीसी की वजह से उड़ीसा के लोग पीसते चले जा रहे हैं, विकास योजनाओं का लाभ लेने में पीछे छूट रहे हैं। बीते दिनों में कितने ही घोटाले उड़ीसा में चर्चा में है। पौधा रोपण से लेकर पॉलीथीन तक, सहकारिता विभाग से लेकर के सड़क निर्माण तक, सिंचाई से लेकर के सत्तू तक में घोटाला करने का आरोप सरकार में शामिल लोगों या पार्टी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में भला विकास कैसे होगा? और इसलिए ओडिशा में एक बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। ये परिवर्तन ही आपकी आशाओं उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, आज यहां गर्जन बहाल कोयला खदान का लोकार्पण किया गया है। आज से ही दुलंगा कोयला खदान से नियमित कोयले के उत्पादन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इन माइन से निकलने वाला कोयला बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। साथियों, यहां के नौजवानों की उम्मीदें, उनके हर सपने पूरे हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यहां के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए यहां के नौजवानों के कौशल विकास पर अलग से ध्यान दिया गया है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर से जुड़े कार्यों को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा
एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना भी की हुई है। राज्य में 24 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल अभियान के तहत वर्ष 2020 तक राज्य के 3,00,000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भी करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ओडिशा में करीब 1 करोड़ लोन वितरित किए गए हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहां के लोगों को स्वरोजगार के लिए दी गई है। साथियों, मैं साफ देख रहा हूं युवा ऊर्जा से भरपूर उड़ीसा अब आगे बढ़ने के लिए लालायित है। दशकों से पिछड़ेपन को ओडिशा पीछे छोड़ देना चाहता है। केंद्र सरकार भी इसमें ओडिशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। राज्य के जो सबसे अधिक 10 पिछड़े हुए जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं, उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है उड़ीसा को वो सम्मान मिले, वो अधिकार मिले, वो विकास मिले जिसका उड़ीसा हकदार है, उड़ीसा का हर नागरिक हकदार है। आज सुबह तालचर और फिर यहां झारसुगुड़ा में शुरू हुई योजनाएं इसी की एक कड़ी है। आप सभी को इन योजनाओं के लिए एक बार फिर मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी, विशेष करके मेरे नौजवान भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।